लखनऊ की घटना को देखते हुए फतेहपुर जिले में शुक्रवार को प्रशासन सजग रहा। NRC व CAA के विरोध के चलते प्रयागराज मंडल के DIG कविंद्र प्रताप सिंह ने आज फतेहपुर की कानून व्यवस्था को घूम घूम कर देखा। मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में फ्लैग मार्च किया। जुमे की नमाज के समय जिला प्रशासन पूरी तरह सजग रहकर माहौल में पैनी नजर रखी गई। शांतिपूर्ण नमाज अदा होने पर DIG कविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि फतेहपुर जिले की जनता को अमन पसंद है। मैं जिले के लोगों को सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए धन्यवाद अदा करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोग नागरिकता कानून को समझें। इस कानून का संबंध देश के नागरिकों से नहीं है और न ही उनके हितों के खिलाफ है। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित अन्य देशों से भारत आए उन शरणार्थियों से है जो कई वर्षों से देश की नागरिकता पाने के लिए मांग कर रहे हैं। उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए इस कानून को बनाया गया है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध से निपटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून का विरोध करने और कानून के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ जिला प्रशासन को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। गैंगस्टर की भी कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने फतेहपुर की जनता से सौहार्द की अपील करते हुए कहा कि हमारा विविधताओं का देश है और तमाम धर्मों व संप्रदायों का देश है। उसके बावजूद सामंजस्य और सौहार्द से आपस में भाईचारे से रहना यहाँ की पहचान में विशेषता रही है। खासकर फतेहपुर की जनता का इतिहास रहा है कि यहाँ के लोग हमेशा शांतिपूर्ण व सौहार्द की मिसाल पेश करते हैं।